हो सकता है किसी को अपनी बेटी से कोई प्रॉब्लम है, किसी को अपने हस्बैंड से कोई प्रॉब्लम है, वो किस टाइम बाहर निकलता है, किस टाइम घर के अंदर जाता है, किस किस से मिलता है, यू नो देयर एंटायर शेड्यूल। माय नेम इज़ तान्या एंड मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। मैं मोस्टली पर्सनल मैटर्स के साथ डील करती हूँ, वेर इन वी टॉक अबाउट मैट्रिमोनियल मैटर्स, जहाँ पर प्री मैरिटल और पोस्ट मैरिटल केसेस होते हैं, उनके साथ मैं डील करती हूँ। आई थिंक ओवर टाइम उनकी डिमांड अब बढ़ गई है पहले से। सो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल इन दिस प्रोफेशन इज़ टू नेवर गिव अप। यू हैव टू बी परसिस्टेंट। आपको ये नहीं लगना चाहिए दैट मुझसे ये होगा नहीं, बिकॉज इट्स नॉट ईजी। आपको योर जॉब इज़ टू गिव आउट द ट्रूथ, और वो आप तब तक नहीं दे सकते जब तक आपके अंदर वो इंक्विजिटिवनेस या वो यू नो वो पैशन ना हो टू गो टिल द डेप्थ ऑफ द केस। हम इस प्रोफेशन में जो भी करते हैं इट हैज़ टू बी विद इन अ फ्रेम, वी कॉन्ट क्रॉस दैट यू, बिकॉज यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देर आर लॉट्स ऑफ रिस्पेक्टेड नेम्स इन दिस इंडस्ट्री। देर इज़ नो फॉर्मल एजुकेशन यू नीड। एनीबडी कुड बिकम अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर इफ दे हैव द परसिस्टेंस, the ability to not listen to no, they have to know कि नहीं उस no के पीछे या yes के पीछे truth क्या है, you know, they don't have to just be satisfied with जो भी उनको face पर दिया जाता है। आपको analyze करना, your analytical skills have to be really good। इन 6 सालों में I have seen how the role of a woman in this industry has transformed, how people have started respecting us more। फ़ोन उठाते ही अगर किसी लेडी की आवाज़ सुनते हैं तो उसको lightly नहीं लेते। I think it's the best time to be in this field because women are actually very empowering in this profession। I faced those initially that people said that oh you're going to take our case, to unko samjhana padta tha with you know, जब तक मैं उनको बताती नहीं थी कि मैं काम ऐसे करूँगी उनको ट्रस्ट नहीं होता था। यहाँ पर वुमेन के लिए कोई चैलेंज नहीं है इस फील्ड में, यहाँ पर लोग जिस तरह से वुमेन को देखते हैं वो चैलेंज है। 70% ऑफ आर वुमेन आर यू नो इन अ लॉट ऑफ वुमेन आर इन पावर्टी और दे आर अंडर एम्प्लॉयड। यू हैव टू गिव दैम दैट पावर एंड वंस यू डू they can make an impact। you can help अगर किसी की शादी में कोई प्रॉब्लम है या किसी के पर्सनल रिलेशन में कुछ भी प्रॉब्लम है, आप सच्चाई को सामने लाकर उनको हेल्प कर सकते हो। यू कैन चेंज देयर लाइव्स, राइट। हो सकता है कभी कभी आप बैड न्यूज़ दो, कभी आप गुड न्यूज़ दो, बट इट इम्पैक्ट समवन्स लाइफ, और दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न व्हाई आई चोज टू बी इन दिस प्रोफेशन। यू डोंट हैव टू ट्रस्ट एनीवन इजीली। मैं कभी कभी सुबह 4 बजे उठ के भी काम कर रही होती हूँ, कभी रात के 1 बजे तक कर रही होती हूँ, कभी काम दोपहर के 2 बजे भी ख़त्म हो जाता है। यू नो बहुत दिन निकल जाते हैं एंड यू डोंट अंडरस्टैंड कि ये केस कहाँ जा रहा है, बट यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन एंड यू हैव टू कैच यू नो द लूप होल इन द केस समवेयर। और आपको समझना पड़ता है कि ठीक है मुझे मेरा रिजल्ट यहाँ से मिल जाएगा। शुरुआत में हो सकता है आपको डर लगे, लेकिन इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, बिकॉज जब आप किसी केस को करने फील्ड पे जाते हो आप सब कुछ पहले से समझ के जाते हो, राइट। दिस बिजनेस प्रॉफिट कम्स इन लेटर, द ट्रूथ कम्स फर्स्ट, सो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट टू योर क्राफ्ट एंड दैट इज़ व्हाट इट टीचेस यू।